के साथ, नॉन वेजिटेरियन ग्रिल्ड स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे घर में भी सबको ये बहुत पसंद है। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। इस चटनी में मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं जो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा कर देते हैं और डिफरेंट होती है। चलिए अब हम हरी धनिया की दही वाली चटनी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते तो आप डिलीट कर दो। इसमें मैंने धनिया लिया है उसका 1/3, पुदीना लिया है और 2 हरी मिर्ची डाली है, लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा लिया है। इसके अलावा इसमें मैंने जीरा थोड़ा सा लिया है, काला नमक, नॉर्मल नमक और दही लिया है और थोड़ा सा पानी रखा है। अगर ये थिक हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए अब हम इसको पीसते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में दही डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर धनिया डालेंगे और उसके बाद पुदीना डालेंगे। आप कुछ आगे पीछे भी डाल सकते हैं, बस शुरू में कोशिश करिए कि आप दही डालें। फिर हम इसके बाद इसमें हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और नमक, दोनों तरह के नमक इसमें डाल दीजिए। ओके, जीरा को भी मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए ये हमारी चटनी रेस्टोरेंट से भी अच्छी बन के तैयार होगी। इसमें पानी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपको थिकनेस चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।